वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमैम। बच्चों आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? उपसर। उपसर की क्या परिभाषा है? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर कहलाते हैं। जैसे स्वस्थ, हमारे पास क्या शब्द है? स्वस्थ। तो इसके सामने यदि हम अ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? अस्वस्थ। तो अ क्या है? उपसर्ग। और स्वस्थ क्या है? शब्द। तो इसके सामने यदि हमने अ लगा दिया तो क्या बन गया? अस्वस्थ। जैसे हमने लिया धर्म, इसके आगे अगर हमने अ लगा दिया तो क्या बन गया? अधर्म। तो अर्थ में परिवर्तन ला दिया, इसे क्या कहेंगे? उपसर्ग, जो आगे लगते हैं। अब हम एक एक उपसर्ग को ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग समझेंगे। जैसे अ, अ उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अखंड, क्या है? अखंड। खंड के सामने अ लग गया तो क्या बन गया? अखंड। अनाथ, अज्ञान, अधर्म, अचल, अकाल, अचेत और अमर। अ उपसर्ग लगाने से इतने सारे शब्द बन जाएंगे। अब हम अगला लेते हैं अन। अन उपसर्ग लगाएंगे तो कौन कौन से शब्द बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अनाचार, अनादि, अनादर, अनुपस्थित, अनपढ़, अनबन, अनमोल। अब अगला लेते हैं अति। अति उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अतिरिक्त, अति सुंदर, अत्यंत, अतिशय, अत्यधिक। क्या बना? अतिरिक्त, अति सुंदर, अत्यंत, अतिशय, अत्यधिक। अब हम अगला लेते हैं अधि उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो मैं बताती हूँ। अधिकार, अधिपति, अधिष्ठान, अधिकृत, अधिपत्र, अधिनायक। अभी लगाने से, अभी उपसर्ग लगाने से क्या बनेंगे वो मैं बताती हूँ। अभिनेता, अभिनय, अभिधर्म, अभिनव, अभिव्यक्त, अभिलेख। अनु उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुशील, अनुशासन, अनुबंध। कौन कौन से हैं? अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुशीलन, अनुशासन, अनुबंध। अब हम अगला उपसर्ग लेते हैं अप उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अपमान, अपयश, अपकार, अपकीर्ति, अपवाद और अपयश। अब उपसर्ग लगाने से कितने सारे शब्द बने। अब हम अगला लेते हैं अ उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम देखेंगे। अवगुण, अवनति, अवशेष, अवमानना, अवतार, अवसान। कौन कौन से बने? अवगुण, अवनति, अवशेष, अवमानना, अवतार, अवसान। अब हम अगला उपसर्ग लेते हैं उत से। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग। उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत, उत्कंठा, उत्सव। उत्कंठ भी होता है और उत्कंठा भी होता है, यानी जिज्ञासा। उत्कंठा यानी जिज्ञासा। उत्सव, उत्पाद, उन्नति। कौन कौन से बने? उत्थान, उत्कर्ष, उत्पत, उत्कंठा, उत्सव, उत्पादन और उन्नति। अब हम अगला लेते हैं उप उपसर्ग लगाने से कौन कौन से बनते हैं? उपकार, उपदेश, उपवन, उपपुराण, उपस्थित, उपनिवेश, उपमंत्री। उप उपसर्ग लगाने से एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से शब्द बनते हैं। उपकार, उपदेश, उपवन, उपपुराण, उपस्थित, उपनिवेश, उपमंत्री। अब हम आगे लेते हैं आ उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। आगमन,
आदान, आचरण, आजीवन। नी उपसर्ग लगाने से कौन से शब्द बनते हैं? निबंध, निवेदन, नियोजन, नियम, निरंजन, निवास, निरूपण। अब वी उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? वियोग, विशेष, विज्ञान, विलग, विहीन, विहार, विमाता और विशुद्ध। कौन कौन से बनते हैं? वियोग, विशेष, विज्ञान, विलग, विहीन, विहार, विमाता। विमाता यानी स्टेप मदर, विशुद्ध। अब स उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? स परिवार, सक्रिय, स धन्यवाद और सफल। कौन कौन से बनते हैं? स परिवार, सक्रिय, स धन्यवाद और सफल। अगला लेते हैं, सु उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? सुगम, सुकर्म, सुलभ, सुयश, सुपुत्री, सुशांत, सुपद, सुकर्म, सुहास। क्या है? सुगम, सुकर्म, सुलभ, सुयश, सुपुत्री, सुशांत, सुपद, सुकर्म और सुवास। अगला लेते हैं, अगला क्या उपसर्ग है हमारा? स्व। स्व से क्या बना? स्वराज, स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वार्थ। दुर् उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? दुर्लभ, दुर्गुण, दुराचार, दुर्लभ, दुरात्मा, दुर्घटना, दुर्भाग्य। अब अगला लेते हैं, परा उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? पराजय, पराक्रम, पराधीन, परास्त, परामर्श, प्रभाव, पराशक्ति। कौन कौन से बने? पराजय, पराक्रम, पराधीन, परास्त, परामर्श, परामर्श यानी एडवाइस, प्रभाव, पराशक्ति। अगला लेते हैं, सम उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? संपत्ति, सम्मान, संपूर्ण, सम्मुख, संविधान, संभव, संभव यानी पॉसिबल, संवाद, संग्रह, संचय, संचय करना यानी इकट्ठा करना। अब हम अगला लेते हैं, प्रति उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिपाल, प्रबल और प्रचार। कौन कौन से बने? प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिपाल, प्रबल, प्रचार। अब अगला लेते हैं, निर् उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? निर्मल, निर्धन, निर् मतलब नहीं, क्या नहीं है? निर्मल यानी प्योर नहीं है, निर्धन, धन नहीं है। तो निर् उपसर्ग का क्या मतलब होता है? निर् मतलब नहीं, निर्बल, बल नहीं है। तो कौन कौन से शब्द बने? निर्मल, निर्धन, निर्बल, निर्गुण, निर्जन। जहाँ लोग नहीं जाते उसे क्या कहते हैं? जहाँ कोई लोग दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? निर्जन, निर्वासन, निरअपराध। जिसका कोई अपराध नहीं उसे क्या कहते हैं? निरअपराध। निस उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? निसंकोच, निसंतान, निसंदेह, निस्तेज। कौन कौन से बनते हैं? निसंकोच, निसंतान, निसंदेह, निस्तेज। अब अगला लेते हैं, परी लगाने से, परी उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? परिमल, परिभाषा, परिपूर्ण, परिश्रम, परिणाम, परिजन। कौन कौन से बनते हैं? परिमल, परिभाषा, परिपूर्ण, परिश्रम, परिणाम, परिजन। अब हम अगले उपसर्ग लेते हैं। अब हम संस्कृत के अव्यय लगाकर शब्द बनाएंगे, जैसे कु, कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग, कुसंग, कुमति, कुचार। कौन कौन से बने? कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग, कुसंग, कुमति और कुचार। अध से क्या बना? अधोपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोभूमि। चीर उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? चीर परिचित, चीरकाल, चीरजीवी।
अंतर उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतरदेशीय। पूरा उपसर्ग लगाने से कौन कौन से नए शब्द बनते हैं? पुरातन, पुरातत्व, पूरा जीव, पूरा काल। पुनर उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? पुनर्निर्माण, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्वास। सत उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? सज्जन, सत्कर्म, सत्कार, सत्संग। कौन कौन से बने? सज्जन, सत्कर्म, सत्कार, सत्संग। अब हम अगले उपसर्ग लेते हैं। अब हम हिंदी के उपसर्ग लगाएंगे और कौन से शब्द बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे अध उपसर्ग लगाने से क्या बना? अध पका, अध खिला, अनपढ़, अनमोल, अध खिली, अध जल। क्या बना? अध पका, अध खिला, अनपढ़, अनमोल, अध खिली, अध जल। उन उपसर्ग लगाने से क्या बना? 19, 29, 59, 49, 69। भर उपसर्ग लगाने से क्या बना? भर पेट, भरपूर, भरसक, भरमार। दो उपसर्ग लगाने से क्या बना? दुबला, दुसहा, दुसाध्य, दुसाध, दुभाषिया, दुमुहा। अब नी उपसर्ग लगाने से क्या बना? नीडर, निकम्मा, निहत्ता, निठल्ला, निपट। अगला लेते हैं। बिन उपसर्ग लगाने से क्या क्या बना? बिन बुलाया, बिन बोया, बिन पानी, बिन पूत, बिन ब्याही। क्या बना? बिन बुलाया, बिन बोया, बिन पानी, बिन पूत, बिन ब्याही। पर उपसर्ग लगाने से क्या बनता है? पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, परोपकार। क्या बनता है? पर दादा, पर दादी, पर नाना, पर नानी, परोपकार। अब हम अगला उपसर्ग लेते हैं। चो उपसर्ग लगाने से क्या बनता है? चौपाया, चौमुखा। चौपाया यानी जो चार पैरों से चलता है, यानी जानवर। जानवर चार पैरों से चलते हैं। हम कितने पैरों से चलते हैं? दो पैरों से चलते हैं। तो चौपाया किसे कहते हैं? जिसके चार पैर हो। चौमुखा, चौमुखा क्या होता है? दीपक होता है। चौपहिया, चौपहिया यानी गाड़ी जिसमें चार पहिए लगे हो। चौदह, चौराहा जिसमें चार राहे हो, उसे क्या कहते हैं? चौराहा। चौपाई, चौकन्ना। क्या है? चौपाया, चौमुखा, चौपहिया, चौदह, चौराहा, चौपाई और चौकन्ना। सु उपसर्ग, सु या स उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? सकुशल, सुनाम, सपूत, सुवास, सुगंध। कौन कौन से बनते हैं? सकुशल, सुनाम, सपूत, सुवास, सुगंध। ती उपसर्ग लगाने से क्या बनता है? तिकोना, तिपाही, तिराहा, तिपहिया। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग लगा सकते हैं। अब हम अगले उपसर्ग लेते हैं। अब हम उर्दू उपसर्ग लगाकर शब्द बनाएंगे। जैसे ना, ना पसंद, ना लायक, ना दान, ना समाज, ना उम्मीद, ना मुमकिन। क्या बनाए? ना पसंद, ना लायक, ना दान, ना समाज, ना उम्मीद, ना मुमकिन। ना मुमकिन यानी इम्पॉसिबल। बो लगा के कौन कौन से शब्द बनेंगे? बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत, बमुश्किल। बा उपसर्ग लगाने से कौन कौन से बनते हैं? बाकायदा, बाइज्जत, बामौका, बादब। कौन कौन से बने? बाकायदा, बाइज्जत, बामौका, बाअदब। बे शब्द लगाने से, बे उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? बेअदब, बेदखल, बेईमान, बेकाबू, बेचारा, बेगुनाह, बेआबरू। कौन कौन से बने? बेअदब, बेदखल, बेईमान, बेकाबू, बेचारा, बेगुनाह, बेआबरू। अब ला उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? ला इलाज, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता उसको क्या कहते हैं? ला इलाज। वो बीमारी कौन सी है? शक करने की बीमारी। ला इलाज, लापरवाह, लापता, लाजवाब, लावारिस। कौन कौन से शब्द बने? ला इलाज, लापरवाह, लापता, लाजवाब, लावारिस। हम उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बने?
हम उमर, हम सफर, हम दर्द, हम राज, हम नाम, हम साया। बद उपसर्ग लगाने से कौन कौन से बने? बद नाम, बद सूरत, बद बू, बदमाश, बद चलन, बद तमीज, बद मिजाज, बद अकल। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बद नाम, बद सूरत, बद बू, बदमाश, बद चलन, बद मिजाज, बद अकल। गैर उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बनते हैं? गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर सरकारी, गैर मर्द। कौन कौन से शब्द बने? गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी, गैर सरकारी, गैर मर्द। कम उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बने? कम बख्त, कम उम्र, कमजोर, कम अकल। खुश उपसर्ग लगाने से कौन कौन से बने? खुश नसीब, खुशबू, खुश मिजाज, खुश हाल। कौन कौन से बने? खुश नसीब, खुशबू, खुश मिजाज, खुश हाल। हर उपसर्ग लगाने से कौन कौन से शब्द बने? हर दिल, हर पल, हर दम, हर दिन, हर रोज, हर चीज। कौन कौन से बने? हर दिल, हर पल, हर दम, हर दिन, हर रोज, हर चीज। सर उपसर्ग लगाने से कौन कौन से बने? सरपंच, सरदार, सरताज, सरहद, सरनाम। कौन कौन से बने? सरपंच, सरदार, सरताज, सरहद। सरहद यानी बॉर्डर, सरनाम। दर उपसर्ग लगाने से कौन कौन से बने? दरअसल, दरकार, दरमियान। इस प्रकार से यदि आप उपसर्ग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उपसर्ग बहुत आसान हो जाएगा। उपसर्ग को आसान करने का एक और तरीका है, आप इनके प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। जैसे लाइलाज, लाइलाज से क्या वाक्य बनाएंगे? आजकल कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं रही। यदि आप बदसूरत से बनाएंगे तो कौन सा वाक्य बनाएंगे? कोयल बदसूरत होती है लेकिन उसकी वाणी मीठी होती है, इसलिए वह सबके दिलों को जीत लेती है। इस प्रकार से यदि आप वाक्य बनाएंगे आपके लिए उपसर्ग करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हो गया है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उनको बनाऊंगी। और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।